ये देखो हमने हमने देखो अभी बिट्टू का फोन आया था। हाँ पुलिस को बुला लिया हमने, अभी पुलिस आ चुकी है हमारे सोसाइटी में। हाँ भेज भेज इनको घर के नीचे भेज। अभी आपको दिखाती हूँ, बने रहना। ये जितने बदमाश है ना इंस्टाग्राम के, सबके कपड़े उतारूंगी और ये कपड़े उतारने में सपोर्ट करेगी हरियाणा पुलिस मेरे साथ। ठीक है, हरियाणा पुलिस मेरे साथ सपोर्ट करेगी इनके कपड़े उतारने में। इनकी बहन का, इसकी बिट्टू की इतनी हिम्मत कि मेरे घर में गेट खुलवा के गार्ड से अंदर आ गया। जब मैंने इसको बोला ना नीचे रही पुलिस आ रही थोड़ी देर में और तेरा स्वागत करवाती हूँ बढ़िया वाला से, वो भाग गया। अब इसका फोन नॉट रीचेबल है, ये देखो सुनाती हूँ इसका फोन क्या बोलता है। कहाँ है इसका फोन नंबर, ये रहा सुनना जरा गाइज। ये नंबर है बिट्टू का जो नया नंबर आया था ना मेरे पास फोन। बहनचोद ने उपयोग में ही बंद कर दिया, उपयोग में ही बंद कर दिया। हाँ भेज। चलो मैं शायद मुझे जाना ही पड़ेगा, नीचे ही जाना पड़ेगा। हाँ मैं आ रही हूँ मैं तो भैया इसीलिए ना सीधी साफ बात, गुंडागर्दी तुमसे ज्यादा हमने करके छोड़ दी है। ठीक है, और ये जो फोन में कहा जाता ना हम तेरे घर के बाहर खड़े हैं, तो जब मैंने बोला कि आ भैया तो तू क्यों कान फट गई तेरी, हमने तो 2 मिनट में पुलिस बुला लिया। भैया पुलिस हमारे लिए ही है, पुलिस हमारे लिए ही है। ठीक है, अगर हमारे साथ कुछ नुकसान होता तो हम पुलिस को ही बुलाते हैं। वो नहीं, उसने फोन स्विच ऑफ कर लिया अपना। हाँ फोन स्विच ऑफ, और उनसे बात हो गई थी मेरी। एक मिनट मैडम, क्या निकल गई। गार्ड ने बोला है, गार्ड ने आपको बोला होगा, 4 लड़के थे, गाड़ी आई हुई थी अंदर। हाँ ठीक, ओके नहीं, आप हाँ यही रहो। मैं उसको फोन कर रही हूँ और मैं आपको ना सारी उनको जो जिनसे मेरी बात हुई थी, हाँ अमित जी को मैंने व्हाट्सअप सारी कर दी उसकी ऑडियो, जी जो मेरी बात हुई है रिकॉर्डिंग करी है मैंने उसकी सारी बात, और नंबर भी उनको भेज दिया है। और उसको मैंने बोला कि पुलिस आ रही है तो यहाँ पे आ जा कहकर, हाँ वो भाग गया। अब उसने फोन ही स्विच ऑफ कर दिया, ये देखो ना ये वो जो दिन सुबह आई थी वो पार्टी दूसरी थी, ये पार्टी दूसरी है। क्या करे, इंस्टाग्राम में शेरनी फेमस ही इतनी है, गुड़गांव की शेरनी सारे दुश्मन इकट्ठे हो रहे जगह जगह से, पर हरियाणा पुलिस जिंदाबाद। अगर आप लोग हो मेरे साथ तो ऐसे ऐसे नकली इंसानों को ना 2 मिनट में मैं इनकी इतनी ठंडी करूंगी बस। ना कोई नहीं साथ है आप। हाँ बिल्कुल ठीक है, पड़े तो कॉल कर दिया। हाँ मेरे पास नंबर आ गया और मुझे अब इमरजेंसी में कॉल करने की जरूरत नहीं, सीधा मुझे बोल दिया इस नंबर पे आना। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आ जाओ भाई, किसने आना है अब, क्यों नहीं आ रहा कोई है, क्यों नहीं आ रहा कोई, अब आ जाना प्लीज। बिट्टू तू कहाँ भाग गया, तू तो मुझे फोन कर रहा था तेरे घर के नीचे खड़ा हूँ है, और बला 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 तेरे घर के नीचे खड़ा हूँ और ऐसे ऐसे है फलाना ढींगना, पुलिस के नाम सुनते क्यों भाग गया तू, क्यों भाग गया मेरे बच्चा है मेरे लल्ले, क्यों भाग गया तू, तेरा फोन देख कैसे जा रहा है। अब बदमाश बोले ना तू अपने आप को, बदमाश हूं मैं। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर या भी स्विच ऑफ है या नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है। आ मेरा बच्चा,
और आपने आपने क्या बोला था कॉल पे? रुको, आपका रिकॉर्डिंग सुनाते हैं। वेट, कहाँ गया रिकॉर्डिंग? एक मिनट, वेयर इज रिकॉर्डिंग? अच्छा, उन्होंने मेरे को भेजा है ना, मैंने थाने उनको SHO को भेजा है सारी रिकॉर्डिंग इसकी नंबर के साथ, वही सुनाती हूँ। रुको, देख भाई, अब तो पालम विहार थाना भी समझ चुका है कि इस औरत के पीछे जरूरत से ज्यादा बंदे और औरत पीछे पड़ गई है, तो वो भी अब बहुत टाइटली ध्यान दे रहे हैं इस चीज को। सुबह कोई और आया था गंद मचाने, हैं, जिसकी आवाज हिजड़े वाली थी, किन्नर वाली, और रात को आया बिल्लू, बिल्लू कह रही बिट्टू, देसी क्वीन का यार, देसी क्वीन का यार आया था मेरे पास मिलने। पता है आप लोगों को, वो देसी क्वीन का यार है, भाई नहीं है वो, उसका यार है, उसका 2 साल पहले यार है उसका, वो तो वो आया था, उसके आपको मैंने आवाज सुना दी यार की, ठीक है। जैसे मैंने उसको बोला पुलिस आ रही है, थोड़ा थम जाए यहाँ पे, तो थमने की वजह वो भाग गया, और मैंने गार्ड की वाट लगाई, तू बिना मेरे से पूछे तुम बहन के लड़ो मां से पंगा लोगे, हैं? मैं हूं सही औरत, और मैंने तुम्हें 1000 बार बता दिया है, मैं ना डरती किसी के नाम कंप्लेंट कराने से, और ना ही मैं डरती किसी को चैलेंज करने से, ठीक है। सीधी और साफ बात, मैं सही हूं, मैं गलत हूं तो मुझे थाने तक रगड़ो, अगर मैं सही हूं तो तुम्हारे लिए बैठी मेरी हरियाणा पुलिस, मुझे जरूरत नहीं है कुछ भी करने की, हरियाणा पुलिस जिंदाबाद, तुम्हारी तो पूरा हिस्ट्री गांड में से गू निकालेगी पूरा, आई बस समझ में, गुंडा कितना ही बड़ा हो पुलिस से बड़ा कोई नहीं होता है, ठीक है। मैं खुद अपने आप को गुंडी बोलती हूँ, मेरा खुद मेरा हस्बैंड गुंडा, पर गुंडा गुंडी ना पुलिस से बढ़ के कुछ नहीं होते। आओ तुम लोग बहन के लड़ो, मेरे घर के नीचे आने की हिम्मत होगी, पुलिस का नाम सुनते भागे काहे तुम, काहे भागे तुम, एक औरत पे तुम सारे टारगेट करोगे, और कहो कि शेरनी इतनी गंदी है, अरे इतनी गंदी है तो ब्लॉक लिस्ट में डालो, अरे भागो यहां से, शेरनी अगर इतनी गंदी है तो ब्लॉक लिस्ट करो और भागो यहां से, उसका चर्चा क्यों करते हो रोज लाइव पे बैठ के, क्योंकि फेम खाना है तुम लोगों को। एक अकेली औरत ने पूरे NCR के, पूरे फॉरेन कंट्री के, पूरे इंडिया के आदमी और औरतों को चैलेंज कर रखा है, जिनकी औकात बच्चे पैदा करने के थे नहीं, वो भी हमें लपेटे में लेते हैं। उसी का तो यार था वो बिट्टू, बिट्टू को भेजा था तूने, मेरे पास भेजा था ना अपने यार को, आज क्या हुआ बिट्टू तो भाग गया पुलिस का नाम सुनते ही, सो सैड। अब क्या करोगे नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या करोगे? PCR ने बोला हम बाहर ही खड़े सुबह तक, अब बताओ, क्योंकि उनको भी समझ में आ गया इस बंदी के पीछे अब हाथ धोके कोई पड़ा है। सुन, शेरनी इतनी औकात रखती है कि अपने घर के नीचे ना 2 गार्ड एक्स्ट्रा रख सकती है, तुम्हारे गार्ड में दम है, तुम्हें कोई बचा लेगा फिर जब घर से बाहर निकलोगे, हैं? बचा लेगा। और सुन बिट्टू, जिस गाड़ी में तू आया था ना, वो गाड़ी की ना फोटो, गाड़ी नंबर और फोटो गार्ड ने मुझे दे दी है, ठीक है। तेरी इतनी हिम्मत मेरे घर के नीचे आने की है, इतनी हिम्मत तेरी, किसने भेजा तेरे को? तेरी यार ने ना, देसी क्वीन ने भेजा ना तेरे को यहाँ पे मेरे घर के नीचे? सुबह उसने क्या नाम है, बिल्ली को भेजा, रात को तुझे भेजा, गेम तो तगड़ा खेल रही है देसी क्वीन तू है। और फिर कहती है, अरे छोड़ो यार, मैं बड़ी सती सावती, मेरे घर में ना मेरी फैमिली, मेरे सास ससुर, बला बला, कौन है तेरा सास ससुर, कर ले आई जरा सामने, टैंगो वाली लाइफ दिखा दू तेरी, जहां चूची दिखा के पैसे कमा रही थी दूध दिखा के, दिखा दू टैंगो वाली लाइफ तेरी, है? तब तेरे सास ससुर तेरा पति काम मर गए थे सब लोग टैंगो वाली लाइफ पे, सच बोलना, सच क्यों नहीं बोलती है? सास ससुर कभी एक 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 गैदरिंग करी है तूने सास ससुर के साथ कोई? एक पति को दिखा देती है, ये मेरा आया पति, ये मेरा पति, ये मेरे बच्चे, पैदा तो कर ले एक बार, पैदा तो कर ले, बच्चा एहसास हो जाएगा बच्चे कैसे पैदा करते हैं। जो तू छुपके गेम खेल रही है ना, ये मत खेल, ये तेरे साथ 2 साल रहकर मैं सीख चुकी हूं, याद है पनोड़ी को कैसे
बातों से हराना तूने मुझे सिखाया था, गोल्डी को कैसे मारना है तूने मुझे सिखाया था, सुमित को कैसे पछाड़ना, कैसे तूने, तू मुझे पीछे से, कहते ना एक जैसे अर्जुन के सारथी कहते ना, अर्जुन जब हार गए थे तो श्री कृष्णा ने उसको सपोर्ट किया, लाइक ऐसे मैं इसको श्री कृष्णा का नाम नहीं दूंगी, बट इसने मुझे लाइफ पर कैसे किसको, मुझे इतना नॉलेज नहीं होता था, कैसे किसको डाउन करना और कैसे किसको पछाड़ना, ये मुझे बहुत अच्छी तरह सिखाती थी बैकग्राउंड म्यूजिक के थ्रू, सामने कभी नहीं आती थी ये, ठीक है। अब तू वही गेम मेरे साथ खेलेगी, तू है वही गेम खेलेगी अपने यार, तेरा यार बिट्टू द बास मेरे घर के नीचे था और जब उसका हमने बोला ना पुलिस आ रही है, पहले तो बोला पुलिस तो खुद तेरे से परेशान है, तो भाई मेरे से परे नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, प्लीज चेक द नंबर यू हैव डायल्ड, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर काहे बंद कर दिए बे तूने, एक मिनट मैं ना सारी ऑडियो सुनाती हूँ, जो जो इसने मेरे को फोन किया था ना, मैंने वो लिया था रिकॉर्डिंग, रुको वेट, भाई आसान नहीं है। अच्छा इनका सर का फोन आ गया है, एक मिनट होल्ड रखना तुम लोग। अच्छा किसको होल्ड बोल रही हूँ, हेलो, हाँ जी सर, वो लोग आ गए थे बट मैंने उनको बता दिया और नंबर भी दे दिया, मैं आपको ना उसका ऑडियो, उसका एक मिनट, उसका जो रिकॉर्डिंग मैंने किया वो नंबर, वैसे तो नंबर उसने नॉट रीचेबल जा रहा है, स्विच ऑफ या तो सिम निकाल दिया, दो मिनट लगते हैं सिम लेने में, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बट आपके बंदे कह रहे हैं बाहर ही, और बाहर ही हैं वो, अभी बैंक के बाहर ही हैं। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, अभी कोई, मैंने गार्ड को भी बोल दिया, कोई भी मे से बिना पूछे गेट नहीं खुलेगा और किसी को अंदर नहीं आने देगा। चलो थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। अरे ये मत कुंडू जी मत बोलो, अब ये लोग कहेंगे कि हरियाणा हरियाणा का साइड ले रहा है कहकर, ठीक है। तो नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस ये है कि हरियाणा पुलिस वाक्य में आज प्रूफ कर दिया, आपने दिन में भी आए थे सिमी जब थी, आपने वही सवाल किया मेरे दोस्त के सामने कि हमने टाइम पे आए नहीं आए कहकर, आपने यही पूछा, तो नहीं वाक्य में हरियाणा पुलिस टाइम पे आई, एक नहीं तीन तीन पीसीआर मेरे घर के नीचे खड़ी हो गई थी, उसके लिए थैंक यू सो मच आप सबका। और मैं कहती हूं कि किसी के साथ भी कुछ गलत कांड हो उससे पहले पुलिस पहुंच जाना चाहिए, मरना तो देखो मरना तो तय होता है, कब किसने मरना है किसी ने नहीं देखा है, ठीक है। बट पुलिस का फर्ज बनता है कि अगर किसी ने फोन किया है तो वो वहां पहुंचे टाइम से। तो आज तीन तीन जगह के पुलिस ने, बजघड़ा मोड़ के, पालम बिहार के, और अपना एक और, वो उन्होंने तीनों ने अपना पीसीआर खड़ा करके दिखा दिया कि वाकई में बहुत एक्टिव है हरियाणा के पुलिस। चलो वो अभी बाहर ही हैं, और बाकी मैं आपको सारा व्हाट्सअप करती हूँ सर, ठीक है, ओके थैंक यू। तो क्या कहते हैं उसको, हाँ कहाँ था ये, अच्छा ये हुई बात। उसके बाद फिर हमने बोला कि पुलिस आ गई है, तो बंदे ने अपना फोन कर दिया स्विच ऑफ, नॉट रीचेबल। अब ये सारी रिकॉर्डिंग हम अपने एसएचओ साहब को भेज रहे हैं, रुको एक मिनट पहले देखने दो और क्या क्या है रिकॉर्डिंग इसकी। अरे अरे एक मिनट बिट्टू वापस, अच्छा
अच्छा ये शेयर कहाँ से होगा? हम यहाँ से हाँ, कभी मैंने ना रिकॉर्डिंग शेयर नहीं करी है, बट मैं अपनी हर कॉल रिकॉर्डिंग रखती हूँ, ठीक है, ताकि अगर मुझे कुछ हो भी गया तो मेरे जो घर वाले हैं मेरे फ़ोन की रिकॉर्डिंग से बातचीत से पता लगा सके कि किस पे शक जाएगा कर, ठीक है। देखो मरने से किसी को नहीं रोक सकता है। 40 ईयर्स के थे जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी, कोई एज नहीं होती 40 ईयर्स, राइट। तो मैं भी अगर अब मर जाती हूँ 40 ईयर्स में तो आई डोंट माइंड, यू नो आई डोंट माइंड, बट मेरे को मारने वाला जैसे मेरे हस्बैंड को मारने वाला बच्चा नहीं ना, उसका पूरा कुल पूरा खानदान जिसे कहते हैं ना, पैदा करने वाला ही नहीं छोड़ा किसी को भी, सब सब जिसे कहते हैं ना खत्म, मतलब वंश ही खत्म, वो काम किया हम लोगों ने और कभी हमारा नाम नहीं आया। और मैंने नहीं किया, उनके बहुत चाहने वाले दोस्तों के बड़े दीवाने होते थे मेरे पति, दोस्तों पे जान छिड़कते थे, उन्होंने करवाया काम, वंश ही खत्म, कांड वंश ही खत्म। अब बताओ मेरी आत्मा को तो वैसे शांति मिल गई थी फिर तो। इसीलिए तुम करो, तुम्हें जो जो करना है, तुम कहते ना एक औरत 100 पे भारी, ना रे 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 रे, अब तो एक अब तक तो मर्दों से लड़ाई थी, अब तो भैया सुनो, ये जो कुछ बाहर बैठी है ना कुतिया है, इन्हें लगता है कि ये बच जाएंगी, बेटा वेट एंड वॉच। मैं अभी अमेरिका का नहीं बोल सकती, पर यूके बहुत जल्दी आ रही हूँ, ठीक है। और जिस दिन सोच अगर मैं यूके सेट हो गई तो फॉरेन कंट्री के नियम ऑलमोस्ट मुझे बता दिया गया है क्या है क्या नहीं है, बट वहां के क्राइम भी मुझे बता दिए गए हैं, क्राइम क्या है, गांड में गूंज है, क्राइम बहुत होते हैं बाहर कंट्री में भी, ठीक है, पर तुम्हारे बस के नहीं है क्राइम करना, वो पता लग गया मुझे, पता लग गया पता लग गया। क्या बोले अब तेरे को, क्या ना बोले, तेरा नाम लेकर तो हम तुझे फेमस कर देंगे। बाकी भैया आ जाओ तुम लोग और मारो शेरनी को, कभी तो मौका लगेगा शेरनी को गोली मारने का है। तुम्हारी बहन का भाई मेरे बात समझ में नहीं आता, एक मिनट सेंड करने दे मुझे इसको। मेरे समझ में नहीं आता कि बिट्टू भाग क्यों गया, बिट्टू सच में बताइयो भाग क्यों गया तू, लाइव तो तू देख रहा है मेरी, पता है मेरे को, और जिस नंबर से तूने मुझे एक मिनट हाँ जिस नंबर से तूने मुझे क्या बोलते हैं उसको फोन किया था, उसी नंबर की रिकॉर्डिंग है मेरे पास, ऐसा नहीं कि कोई अलग नंबर से, वही नंबर तूने बंद क्यों कर दिया डार्लिंग, काहे बंद कर दिया, टेल मी। तेरा नंबर लास्ट में 993 है ना, हाँ, और हाँ मैं एक मिनट ना, यहाँ और बहुत रिकॉर्डिंग है, फिर बाकी रिकॉर्डिंग भी लोग देख लेते हैं, ठीक है। मैं दिखाती हूँ उसका जो रिकॉर्डिंग मैंने किया वो कैसे भेजू यार, समझ में नहीं आ रहा इसकी रिकॉर्डिंग का ना, शेयर रीनेम एंड शेयर डिलीट, अच्छा तो मुझे शेयर करना है तो वहां पे करना पड़ेगा, ओके अरे भैया यही वाला ना, ठीक है मैंने भेज दिया, शेयर भेज दिया, वो हरामी स्विच ऑफ करके बैठ, शेयर नंबर
और तेरा गाड़ी नंबर, हाँ एक मिनट गार्ड से मंगाती हूँ मैं गाड़ी नंबर, रुक। नहीं इसने भेजा तो है गार्ड ने मुझे गाड़ी नंबर। और वो एक लड़की वॉक कर रही थी नीचे, मेरी पड़ोस में रहती है, ठीक है, उसने भी बोला, बच्ची है मतलब मेरे बेटे की एज की है, उसने भी बोला कि हाँ आंटी एक गाड़ी आई थी और चार पांच लड़के थे उस गाड़ी में अंदर, और वो आपके बारे में पूछ रहे थे और गार्ड ने अंदर आने दिया उनको। रुक तेरी गाड़ी नंबर भी करवाती हूँ। तुम बहन जो जा, देखो ये पता है क्या होता है, ये है भारत इस टाइम में 2022 जिसे कहते हैं, ठीक है, आजाद देश, यहां तुम अगर किसी की गलत सोचोगे प्लानिंग करोगे तो बेटा शेर नहीं, मैं कोई चूतिया की एल नहीं हूं, बैठी हूं यहां पे अकेले, ठीक है। तू मेरे घर के नीचे आकर मुझे मैसेज करेगा कि शेरनी मैं तेरे घर के नीचे हूं ये वो, तू बोचड़ी की पहले तो हिम्मत कैसे हुई तेरे मेरे घर के नीचे आने की, और गार्ड ने कैसे अंदर आने दिया तेरे, गार्ड की तो मैंने क्लास ली, कल से तो इसकी छुट्टी है, ऐसे कैसे आने दिया इसने तेरे को 12 बजे रात को, तेरे को आने कैसे दिया इसने गार्ड ने, है कल मैं इसकी जो कंपनी है उसकी मारने वाली हूं बहुत बढ़िया, इस महीने की मैं सैलरी काटने वाली हूं इसकी, गार्ड की, आने कैसे दिया इसको अंदर। रुक दूसरी भी शेयर करती हूँ, थाने में एक रिकॉर्डिंग कर दी मैंने ये वाली, हाँ जो बैठी है ना तेरी गर्लफ्रेंड, उसकी भी बथेरा रिकॉर्ड है मेरे पास, वो जो गेम खेल रहे ना बंद कमरे में चुप रह के, सती सावित्री टैंगो की लाइव दिखा दे ना, आधी दूध दिखा के आती थी, दिखा देंगे तेरी गर्लफ्रेंड की, हैं तू ठहरा जाट और उसकी कास्ट क्या है तुझे भी अच्छी तरह पता, तूने खुद बताई थी उस दिन मुझे, दारूबी के है बहन कैसे हो गई भाई तेरी, वो बताइए मुझे बहन कैसे हो गई वो तेरी, तेरी हिम्मत देखो बहन चुद मेरे घर के नीचे आ गया ये बिना बताए फोन कर रहा है, और जैसे मैंने कहा कि भाई रुक जा नीचे, रुक पुलिस आ रही है फिर मैं तेरे से बात करती हूँ, भाग गया, कह रहा पहले तो कहने लगा पुलिस को बुला मैं यही बैठा हूँ, फिर भाग गया भोजड़ी का। अरे भैया आ जा, हेलो मैंने भेज दिया है, भेज तो दिया, मैंने कौन सी आईडी वो भेजी उधर उनको, पहले चेक करने दो, ऑडियो सेम सेम है ना बहुत सारे। अरे भैया अच्छा ये वाली भेजी है, अब दूसरी भेजती हूँ उनको, रुक। अरे भैया आ जा, ये नहीं, अरे अरे एक मिनट बिट्टू वापस आई हो जरा, मिलना है मेरे को तेरे से, वापस आई हो, आ गया, और हाँ। कोई किसी कपड़े रखे हो ना तू, एक मिनट कपड़े पहले तो ये बता कौन से कपड़े हैं तेरे के भेजा है, कौन से कपड़े भैया, यू हैव प्रूफ कि तुम मेरे घर आए थे, यू हैव प्रूफ कि तुम्हारे पास कोई मेरे घर पे कपड़े हैं, क्या कर रंडी तू आई थी क्या कपड़े देने इसके अपने बॉयफ्रेंड के, 2.5 लाख रुपए नहीं दिए तो मैं बुरी बन गई है, लंड तू घुसाने आई थी क्या अपने बॉयफ्रेंड का, 2.5 लाख चाहिए था ना तुम दोनों का मेरे से, आज 1-1.5 महीने बाद बिट्टू को अचानक शेरनी की याद आई कपड़े का नाम लेकर, पहले भी तुमने कोई लाइव चलाई थी कि शेरनी के घर में उसके कपड़े हैं क्या कर, है ना मैंने देखा था, कौन से कपड़े हैं, हैं तेरी तरह ना किसी औरत का है मैंने, आई बस समझ में तेरे को, नहीं समझ में आए तो समझ लियो दोबारा, नहीं तो तेरा पूरा चट्टा बट्टा ना पूरे लाइव पे दिखाऊंगी, कैसे मारा है तूने किसी की बीवी को और कैसे तू, अरे तेरे सुन तेरे जैसे बच्चों को पैदा करके छोड़ रखा है गेम खेलने के, जो तू तो हाइड होके गेम खेल रही है ना, मुझे सब पता है गेम तेरा ही है सब कुछ, सुबह बिल्ली से लेकर अभी बिट्टू तक का गेम, मास्टर माइंड है, पीछे रहकर गेम खेलेगी, मारवाड़ी की बीवी बनने का बहुत शौक है ना तुझे, रुक हम बनाएंगे तेरे को, अब थम जा, पता नहीं कौन से घटिया जगह में गई है ब्याह के बहनचोद, और मैं तो सहता न्यू कहूं घटिया तेरे वहां के लोग, जो इतना मर्डर केस होने के बावजूद तेरे साथ तेरे 100 तेरे बच्चे रह रहे बहनचोद, जिसकी माँ को उसकी 100 तेरे बारे में, तू तो लौड़ा नहीं, देख चौड़ में जीती है ना शेरनी, क्या है मेरे बारे में,
क्या है मेरे बारे में बता, लाइव में बैठ के बता क्या है मेरे बारे में, चैलेंज कर रही हूँ, बता मेरे बारे में क्या है तेरे पास चट्टा बट्टा। बस साली तूने जो बच्चों की माँ को मारे है, और इसका प्रूफ सबसे बड़ा बाबा मलिक ने मुझे दिया है, बाबा बाबा मलिक उसने प्रूफ दिया है मुझे कि ये तो इसके गर्लफ्रेंड रह चुकी है दो थे हरियाणा में, और तू किस कास्ट की है ये भी मुझे पता लग गया उसी टाइम में। तू तो बहुत लंबा, तू जो चुपचाप गेम खेल रही है ना बेटा, ऐसे गेम नहीं खेलते, ऐसे नहीं होते मेरा बच्चा। अब हम भी कल से चुपचाप गेम खेलेंगे और तुझे पता भी नहीं लगेगा। बहुत शौक है ना, मेरे हस्बैंड का ये दुकान है, मेरे ससुर की ये दुकान है, कभी तू ससुर के साथ तो दुकान में बैठी नजर नहीं आई है। बता ना, कभी ससुर के साथ तो बैठी दुकान में नजर नहीं आती तू, कभी तूने ससुर को दुकान में घूमते हुए तो नहीं दिखाया वीडियो कॉल में है। माँ को चलाना छोड़ दे, तेरे जैसे बालक पैदा करके छोड़ रखे हैं, ठीक है। आजा मैदान पे, ढंग से उतर, ढंग से उतर, ऐसे नहीं पीछे करके गेम मत खेल, ढंग से उतर मैदान में। भाई देखो, जो ढंग से उतर के मैदान में खेलता है ना गेम, हमें उससे बड़ा मजा आता है गेम खेलने में। रुको तुम्हें पीसीआर दिखाती हूं मैं, एक मिनट। छाव पेड़ क्यों आ रहा है यहां पे, मुझे नीचे ही जाना पड़ेगा, यहां से दिख ही नहीं रहा है जूम करके भी। चलो वैसे भी अब मैं सोने जा रही हूं, ठीक है। आज मेरा काफी हद तक काम हुआ है नीचे का, और मैं बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, एंड मैं अब जा रही हूँ ऊपर सोने गाइस, ठीक है। अच्छा ये बताना, ये लैम्प कैसा लग रहा है? अच्छा ये अभी ऐसे दिखेगा। सॉरी, वो ऊपर काम करेंगे, मैं नीचे से हो जाऊंगी। चलो गाइस, ठीक है। देखो मैं लाइव चलाने का कोई मोटिव नहीं था मेरा, ठीक है, बट एक बदमाश मादर फकर जो मेरे से 50,000 लेके गया था, और सिर्फ मैंने देसी कुन के कहने से उसे 50,000 दिए थे, और दो दिन उसको गाड़ी यूज करने दिया मैंने अपना, एक दिन मैं उसके साथ रही खुद गाड़ी में, दूसरे दिन वो मेरी गाड़ी मांग रहा था पर मैंने मना कर दिया। आज अचानक उसका फोन आता है कि मैं तेरे गेट के नीचे खड़ा हूँ और मेरे को उधर से मिलना है। मैंने फिर गार्ड से फोन किया, कहने लगा हाँ कोई आया, मैं पहले तो गार्ड की क्लास ली, मैं बिना पूछे तूने अंदर कैसे आने दिया। फिर मैंने किया फोन पुलिस वालों को, मुझे पता है ना अभी गेम क्या क्या चल रहा है यहाँ पे। क्यों भाग गया बे अलौड़े, क्यों भाग गया? तेरे लंड में तो वैसे दम नहीं है, है? नशेड़ी, तुझे रुकना चाहिए था, रुकना चाहिए था, पुलिस वालों से बात करनी चाहिए थी तुझे, तू भाग क्यों गया बे लौड़ू, लौड़ू तू भाग। कितने लोग शेरनी से पंगा लेंगे बे, नाम मर्दो, नाम मर्दानी, कितने लोग पंगा लोगे। शेरनी जहानी थी, है और रहेगी, शेरनी गुड़गांव, गुड़गांव की शेरनी है और रहेगी, शेरनी गुड़गांव की सरपंच है, रहेगी, शेरनी गुड़गांव की टॉप लेवल की डॉन है और वो रहेगी, और आने वाले फ्यूचर टाइम में शेरनी मोदी है और वो बनेगी। फक ऑल, ओके, गुड नाइट, लव यू ऑल, मदर फकरों।